नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज और मैं हूं जगदीश। आज हम बात करेंगे शहर में बढ़ती चोरियों की वारदात को लेकर। आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है। डूंगरपुर शहर के न्यू बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी से करीब 100 मीटर की दूरी पर हुई वारदात एवं साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम पुराना बस स्टैंड के नजदीक आदिनाथ कॉम्प्लेक्स में शटर के ताले तोड़कर चोरी का किया गया असफल प्रयास। वहीं शहीद स्मारक पार्क के मुख्य मार्ग पर पुलिस समस्त रोड पर रात्रि गश्त लगाती है। अब बात यह है कि पुलिस रात्रि गश्त तो करती है, लेकिन गश्त कहां करती है, यह सवाल या निशान उड़ता है। अब प्रश्न सुलगता है कि शायद सर्द हवाओं के बीच पुलिस वाले भी कहीं छुपकर अपनी सर्दी मिटा रहे थे, क्योंकि एक साथ एक ही रात में शहर में इतनी जगह वारदात होना पुलिस पर सवाल या निशान पैदा करता है। तो देखिए आज की हमारी खास रिपोर्ट। डूंगरपुर शहर में बीती रात चोरों ने अलग अलग तीन ठिकानों पर शटर के ताले तोड़कर की चोरी। मिली जानकारी के अनुसार शहर के शास्त्री मार्ग स्थित आदिनाथ कॉम्प्लेक्स में रेती स्टैंड स्थित किराना की दुकान में और शहीद स्मारक पार्क पर चाय के केबिन पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आदिनाथ कॉम्प्लेक्स में करीब 12:48 पर तीन युवकों के चोरी करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें चोरों ने दुकानों के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन आदिनाथ कॉम्प्लेक्स में चोरों को चोरी करने में नाकामयाबी मिली। लेकिन दुकान के अंदर घुसकर सामान को बिखेरा। वहीं रेती स्टैंड पर स्थित किराना की दुकान में चोरों ने दुकान के ऊपर बने शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। वहीं सीसीटीवी कैमरे में लगी एलईडी को निकाला, साथ ही दुकान के अंदर प्रवेश कर गुटखे, काजू बादाम व गल्ले में पड़ी नकदी चुराकर ले गए। वहीं तीसरी घटना, चोरों ने शहीद स्मारक पार्क के बाहर मेन रोड पर चाय का केबिन लगाने वाले दुकानदार के केबिन का ताला तोड़कर केबिन के अंदर रखी तीन गैस की टंकी, गुटखे, मसाले सहित गल्ले में पड़े कुछ पैसे निकालकर फरार हो गए। सुबह जब दुकानदारों ने दुकानों को खोलने के लिए पहुंचे तो देखा कि ताले टूटे पड़े हैं, शटर टूटा पड़ा है, जिस पर व्यापारियों ने तुरंत ही कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी, जिस पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। सारी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस कर रही है चोरों को पकड़ने का प्रयास। रात को ये सर मैं 8:30-9 दुकान बंद करके गया और सुबह में आया तो मैंने दुकान में पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और देखा मैंने तो सामने एलईडी नहीं है, पूरा गल्ले के अंदर गल्ले बाहर पड़े हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है। मैंने चेक किया, तेल का डब्बा गायब है, काजू बादाम नहीं है और सिगरेट है, गुटखा पाउच वगैरह ले गया है। करीबन सर गले के अंदर चिल्लर थी और कुछ केस था, 4,000-5,000 रुपया वो गायब है और करीबन 8,000-10,000 रुपये का नुकसान हुआ है जो, और एलईडी अलग। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे डी लाइव न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।